भगवान जगन्नाथ का मंदिर कानपुर जनपद के भीतर गांव विकास खंड मुख्यालय के 3 किलोमीटर पर बहेटा गांव में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि बरसात के 7 दिन पहले इसकी छत से बारिश की कुछ बूंदे अपने आप ही टपकने लगती हैं। हालांकि इस रहस्य को जानने के लिए कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, पर तमाम सर्वेक्षणों के बाद भी मंदिर का निर्माण तथा रहस्य का सही समय पुरातत्व वैज्ञानिक पता नहीं लगा सके। बस इतना ही पता लग पाया है कि मंदिर का अंतिम जीर्णोद्वार 11वीं सदी में हुआ है। उससे पहले कब और कितने जीर्णोद्वार हुए या इसका निर्माण किसने कराया जैसी जानकारियां आज भी अबुझ पहेली बनी हुई है। लेकिन बारिश की जानकारी पहले से लग जाने से किसानों को जरूर सहायता मिलती है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदायु और बहन सुभद्रा के काले चिकने पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। वहीं सूर्य और पद्मनाभम भगवान की भी मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारें 14 फीट मोटी हैं। वर्तमान में मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। मंदिर से वैसी ही रथ यात्रा निकलती है जैसे पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। मौसमी बारिश के समय मानसून आने के 1 सप्ताह पूर्व ही मंदिर के गर्भ गृह में छत टपकने जैसी मानसून पत्थर में उसी घनत्वाकार की बूंदे टपकने लगती हैं जिस तरह की बरसात होने वाली है। जैसे ही बारिश शुरू होती है वो पत्थर सूख जाता है। मंदिर के पुजारी दिनेश शुक्ल ने बताया है कि कई बार पुरातत्व विभाग और IIT के वैज्ञानिक आए और जांच की, न तो मंदिर के वास्तविक निर्माण का समय जान पाए हैं और न ही बारिश से पहले टपकने वाली पहेली सुलझा पाए। हालांकि मंदिर का आकार बौद्ध मठ जैसा है जिसके कारण कुछ लोगों की मान्यता है कि इसको सम्राट अशोक ने बनवाया होगा, परंतु मंदिर के बाहर बने मोर और चक्र की आकृति से कुछ लोग इसको सम्राट हर्षवर्धन से जोड़कर देखते हैं।